सो हे गेमर्स, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल आप सबके? आई होप यार आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए दोबारा से लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, पिछले एपिसोड में तो हमने कुछ घर वर बनाए थे और इस वाले एपिसोड में तो मैं ये परस्यूट करने वाला हूँ हंटर डिलोफोसॉरस, और हंटर डिलोफोसॉरस के बाद हम करेंगे हंट मेगा पिराना, जिससे हमें मिलेगा स्मूथिंग बाम और ये बो एंड एरो। तो ये इस वाले परशूट से मिलेगा। चलो करते हैं फटाफट से और देखते हैं कितना डैमेज का अपने को मिलता है। तो गाइस फाइनली मैं बो एंड एरो बना लिया हूँ, अब बारी है अपने डीलो को ढूंढने की। तो चलो फटाफट से मैं डीलो को ढूंढ लेता हूँ। ये मैप में तो दिखाती हूँ ही पर लोकेशन, ये तो अपना पैची है, बट चलो कोई ना, पैची कुछ रखो साइड में। डीलो को ढूंढते किधर गया वो, मैप में देखता हूँ भाई। थोड़ा सा इसी साइड है यार, मेरे को यार ये जो ग्राफिक थोड़ी हाई कर रखी है ना, ऐसा मैं कभी नहीं खेलता, लेकिन हाई पे ना अंधेरा बहुत है और ब्राइटनेस कम है, तो भाई और भी अंधेरा दिख रहा है मेरे को। मेरे को इसी साइड साउंड आ रहा है, रुको मैं ऐसे तुक्का फायर करता हूँ भाई। है डीलो है डीलो है डीलो है, इसको मार के चलो यहाँ पे फाइंड डीलो फॉरस तो हो गया। अब तीन किल करने हैं अपने को, फटाफट से मैं इसको किल करता हूँ और फिर अपने को असेंडेंट वाला बो मिलेगा। फिर इसने अपने कुछ तो फेंके, इससे बचना है अपने को, नहीं तो अपने करेक्टर को नशा हो जाएगा, नशा। और हाँ भाई, पिछले वाले वीडियो में तो भाई आप सब ने क्या ही प्यार सपोर्ट दिया भाई, उसके लिए दिल से शुक्रिया भाई, आप सब लोगों का दिल से थैंक यू। चलो फटाफट से मैं इन सबको मारता हूँ, फिर मिलता हूँ भाई, देखते हैं कैसा मिलता है। और इधर थोड़ा मेरे को साइड जाने दो, प्लेन एरिया में लाने दो, फिर देखते हैं होता है क्या। इधर है डीलो, मारते हैं फटाफट से इन सबको, लेट्स गो। भाई साहब इस चीज़ को देखने के बाद मेरे को बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा, बस मेरे को भाई भागना है, बस भागने दो मेरे को, भागो 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 भाई। क्या देख लिया मैंने लिटरली भाई, पीछे मैंने क्या देखा है भाई। स्टार्टिंग में दिख जाए ना भाई रैप्टर, भाई डर उससे रैप्टर से नहीं लगता है, डर उससे लगता है जब वो पकड़ता है ना भाई, बहुत गंदा पकड़ता है भाई, उछल के अपने को पकड़ लेता है परमानेंट भाई, तब तो मार ही देगा। क्योंकि अभी हम न्यू हैं इस गेम में, मतलब इस वर्ल्ड में, तो भाई अभी अपने पास आर्मर कुछ नहीं है, इसलिए भाई चलो मैं थोड़ा सा एरो बना लेता हूँ। चलो भाई यहाँ पे फ्लिंट थोड़ा सा करते हैं फार्म और बनाते हैं एरो थोड़े बहुत, जितना भी बनता है देखते हैं कितना बनता है। थोड़े से फाइबर्स एंड यहाँ पे चलते हैं, और चलो भाई छः एरो बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनफ है इतना तो। चलो यहाँ पे लोकेशन तो आ रहा है, देखते हैं किधर है, किस साइड है। इस साइड तो अभी तक फ़िलहाल दिखा नहीं मेरे को। ओके सामने की तरफ है, चलो भाई इसको मारते हैं, एक हीट देते हैं। चलिए एक ही हेड शॉट में तो ख़त्म हो चुका है। चलो तीन तीन करने अपने को, जिसमें से हमने एक को मार दिया। अब बारी है तीन को किल करने की, एंड यहाँ पे चलते हैं फटाफट से। तो भाई चलो 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 यहाँ पे चलते 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 चलते, यहाँ पे एक और दिख चुका है भाई। डोडो को छोड़ दो, मेरे से फाइट करो। चलो भाई चलो हिट करो फटाफट से, बस एक और एरो ख़त्म ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका तो। एंड यहाँ से मैं इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ भाई लगे हाथों। चलो हार्वेस्ट भी हो गया, एंड अब बारी है यहाँ पे एक काम करना है आपको, यहाँ से ना आपको सेव करना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर भाई किसी को लो मिल जाएगा, किसी को हाई डैमेज का मिल जाएगा, इसलिए यहाँ से लीव आर्क करो सिंपली। और फिर दिखाता हूँ प्रोसेस कि आपको कैसे हाई डैमेज का लेना है भाई। मेरे को तो पता नहीं ब्रूटल में कितना मिलता है, बस आप किसी में भी लोकल बैकअप किसी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी आपका जो मन हो वहाँ पे सेव करना, सिंपली भी आप सेव कर दो बस, और प्ले पे कर दो स्टार्ट। चलो यहाँ पे प्ले होने दो, एंड फाइनली भाई अपना स्क्रीन आ चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो लास्ट वाला बचा है ना डीलो, उसको आपको किल करना है। तो पता नहीं थोड़ा आसमान कुछ तो अजीब सा हो गया था, चलो यहाँ से मैंने फटाफट से लास्ट वाले को मारता हूँ ढूंढ के, बिना किसी डैमेज खाए भाई,
इजी पीजी मार देंगे यहाँ तो। चलो ओके, पीटी को ये डैमेज दे रहा है। चलो यहाँ से मैं इसको पहले मारता हूँ, देता हूँ एक शॉट और एक और शॉट देते हैं। चलो भाई उसका अटैक तो ऊपर ही उड़ गया। फाइनली भाई ये टिक हो चुका है एंड अब अपने को मिलने वाला है असेंडेंट बो, या तीर बोल लो, तीर कमान बोल लो। ये देखो अपने को मिल चुका है असेंडेंट बो। तो कितना डैमेज है? 265 है, काफ़ी बढ़िया है। 694 का ड्यूरेबिलिटी और 265 का डैमेज, और मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है। और अगर आपको बढ़िया नहीं मिलता है तो आप वापस से जाकर ना रीस्टोर कर लेना, ऑप्शन जो होता है ना सेव के बगल में। याद रखें भाई, ऐसे नहीं करना बिना मतलब का, बस रीस्टोर करना है, फिर देखते कौन सा मिलता है। और यहाँ से तो भाई मैं जो मैंने ट्राई किया बहुत सारा कि कुछ अगर ढंग का मिल जाए मेरे को, लेकिन मेरे को अभी तक मिला नहीं है। यहाँ से भाई देख दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आपको यहाँ पे सिंपली प्ले पे जाना होगा, और थोड़ा यार मैं नेट बंद कर दूँ, पता नहीं क्यों मैंने चालू कर लिया था। यहाँ पे जाकर ना आपको रीस्टोर करना होगा। ये देखो मैंने लोकल बैकअप 2-3 में कर लिया था, तो उसको मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ क्योंकि मेरे को ढंग का डैमेज का मिला नहीं है वो। तो यहाँ पे रीस्टोर करते हैं तो अपने को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, अरे थोड़ा स्क्रीन टेढ़ा हो गया, चलो कोई ना। ये देखो मैंने रीस्टोर किया ना, तो अगर मैं अभी दोबारा से मारूँगा, ये दूसरा वाला रीस्टोर है जैसे कि अपने पास होता है ना पहले से, जो मैंने पहले सेव किया था वो वाला। यहाँ पे मारता हूँ तो बस ये आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ जो 294 का था या 265 का। यहाँ पे हमने किल किया तो यहाँ पे दिखाता हूँ कौन सा है आया है, कितना डैमेज का मिलता है अपने को। ये देखो असेंडेंट तो मिला है बट ये है 82 का। तो मैं फटाफट से उसको रिस्टोर कर लेता हूँ यहाँ से, मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई इसका 82 डैमेज का। मैं उसको रिस्टोर करके फिर मिलता हूँ आपको डायरेक्ट अपने मैच में। तो भाई साहब मैच क्या ही बोले, ये तो अपना गेम है भाई, इसमें मैच नामक कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ से देख लो अपने को हंट डिल्फो सॉरी हंट मेगा पिराना का परशूट कर लेना है। यहाँ पे रेडी टू स्पीयर, अब अपने को मेगा पिराना ढूंढना है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ मेगा पिराना ढूंढने। तो भाई साहब पीछे तो लोकेशन दिखा रहा था बट मेगा पिराना मिला नहीं, लेकिन मेरे को ये लोकेशन मालूम है क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मेगा पिराना दिखे हैं। पिराना तो सामने की तरफ होते हैं बट अभी तो फ़िलहाल दिख नहीं रहा, लोकेशन तो बता रहा है लेकिन अभी मेरे को दिख नहीं रहा। चलो मैं थोड़ा आगे और चलता हूँ। इसके लिए आपको स्पेयर बनाना पड़ेगा, भले आप स्पेयर बनाओ या ना बनाओ, बस परशूट ऑन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो आप अनलॉक कर लो, बाकी आप किसी से भी मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो ये है मेगा पिराना, अपने को 5 किल करने पड़ेंगे यहाँ पे। भाई बहुत डैमेज देती है मेगा पिराना। चलो यहाँ से मैं इसको किल करता हूँ फटाफट से। 5, एक तो किल हो चुका है, अब लास्ट और 1 हिट लगेगा ख़त्म। अब 3 और मारने मेरे को, तो भाई मैं फटाफट से उनको भी अपने पीछे बुला के लाता हूँ और मारता हूँ। तो यहाँ पे एक और गया ख़त्म इसकी कहानी, अब इसकी भी छुट्टी होने वाली है बस। तो भाई इसको मैं बुलाता हूँ सबसे पहले, तो भाई ऐसे मारने में अलग ही मजा है भाई, क्योंकि ये जब मारते हैं ना बहुत बुरा लगता है। इसको मैं स्पेयर से मारने वाला हूँ ऐसे फेंक के, पता नहीं भाई कैसे फेंकते हैं, लेकिन उसको पे दबाना होता है और ओके फायर करते हो तो ये फेंकता है स्पेयर, ठीक है। चलो बहुत सही, एक और लगा, इसमें तो मर जाना चाहिए ना। चलो भाई फाइनली बस अब अपने को 1 मोर चाहिए लास्ट। चलो तो भाई फाइनली मैं लास्ट को ढूंढ के लेके आ चुका हूँ, एक नहीं दो दो आ रहे हैं अपने पीछे, तो मैं उसको किल कर लेता हूँ फटाफट से। ये देखो अपनी बो एंड एरो निकालो, भले आप किसी से भी किल करो। चलो हो चुका है अपना किल, तो अब अपने को रिवॉर्ड मिल जाएगा इजी पीजी यहाँ पे। चलो भाई आ गया, भाई टाइम लगा लेकिन आ गया 10x बाम, भाई स्मूदिंग बाम जो भी होता है, ये अपने को डायनो टेम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो भाई और अगले एपिसोड तो भाई ख़तरनाक सा होने वाला ही है, और बस अपना आर्मर का काम हो जाए पूरा, फिर तो भाई हम डायनो ही टेम करेंगे, फिर तो आगे जाके भाई और भी बिल्डअप करेंगे, ख़तरनाक तगड़ी चीज़ें बनाएंगे। तो चलो भाई मैं अब चलता हूँ फटाफट से बेस पे, क्योंकि वीडियो पहले से ही लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता भाई कि और ज़्यादा लंबा हो। 2 परशूट कर लिए हमने। ऑल राइट गाइस, मैं भगता भगता तो अपने घर तक आ चुका हूँ। तो चलो भाई बस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं,
मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट ऐसे खतरनाक सी शानदार सी वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।